हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ बिहटा में। बिहटा यानी कि बिहार के पटना ज़िले में पड़ता है बिहटा। तो आज मैं हूँ बिहटा में, और यहाँ आने पर मैंने पता किया यहाँ पर क्या फेमस है। तो पता चला कि यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, मरचा बाबा का मंदिर। तो बहुत पूछते पूछते अभी जो है हम सही रूट में हैं, और अभी जा रहे हैं मरचा बाबा का मंदिर। और आइए एक्सप्लोर करते हैं मंदिर को। तो अभी जो है मैं पैदल था, पर अभी एक अंकल मिल गए हैं और इनके बाइक पर हम बैठकर अभी जा रहे हैं। और आगे कोई अपोलो हॉस्पिटल है, उसी के पास ये मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस मंदिर को। क्योंकि यहाँ पर मैंने पता किया तो लोगों ने बताया कि बिहटा का मतलब एक ये फेमस मंदिर है। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो आधा घंटा पैदल चलने के बाद और कई लोगों से पूछते पूछते फाइनली हम पहुँच गए हैं माचा स्वामी मंदिर। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर है, और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैं खुद जब यहाँ पर आया तो मैंने लोगों से पूछा कि मतलब भैया बिहटा में ऐसा क्या कोई फेमस जगह जिस पर वीडियो बनाया जा सके। तो बहुत लोगों ने कहा कि वैसे तो कुछ फेमस नहीं है, लेकिन एक माचा स्वामी का मंदिर है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमने कहा कि चलिए भाई वहीं चलते हैं, बिहटा में लोगों को वहीं दिखलाते हैं। तो ये है माचा स्वामी का मंदिर, और जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम केसरिया रंग में और अद्भुत कलाकारी, ये देख सकते हैं मेरे सामने। और एकदम खाली है, सन्नाटा है, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है इस मंदिर के बारे में कि वो यहाँ पर आएंगे। पर हम आ जाए हैं एक्सप्लोर करने, और बहुत लोगों से पूछते पूछते स्टेशन से, क्योंकि मेरे पास तो बाइक नहीं था, पैदल ही आया, तो आधा घंटा सुपर लग गया मुझको यहाँ आने में। तकरीबन स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये मंदिर। तो पूछते पूछते हम यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन चलिए फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर। मेरे सामने देख रहे हैं अभी, ये माचा स्वामी जी का समाधि स्थल है। और माचा स्वामी जो है बिहटा में के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारे जो है समाज सेवा का कार्य किया है, लोक कल्याणकारी काम किया है, और इसलिए जो है इस मंदिर को जो है उनके नाम पर माचा स्वामी सिद्धाश्रम कहा जाता है। वैसे इस मंदिर का नाम जो है दिव्य धाम मंदिर है। और ये जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी काम हुआ है यहाँ पर, ये सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। और जैसा कि इन्होंने एक भैया थे, उन्होंने बतलाया कि यहाँ पर जो है मंदिर बनवाया, स्कूल बनवाया, और भी बहुत सारे हितकारी काम किया उन्होंने। तो इसलिए जो है उनके नाम पर जो है इस धाम को जो है माचा स्वामी मंदिर कहा जाता है। और देख लीजिए कि कितना खूबसूरत मंदिर है। बहुत कम लोगों को पता होगा इस मंदिर के बारे में, खुद मुझे नहीं पता था, तो डेफिनेटली बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मंदिर की खूबसूरती, और तो बिहार में ऐसे बहुत से जगह हैं जिनको जो है फेमस करने की ज़रूरत है। तो लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, सीरियसली बताऊं तो बिहार में बहुत कुछ है, बस लोगों को पता नहीं है। अभी बिहटा आप आते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इस मंदिर में, और बहुत सुकून भरा जगह है यहाँ पर, अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही शांति है यहाँ पर। अभी आपको यहाँ आने के लिए मेरी तरह परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल के पास ये मंदिर है। तो आप आरा से पटना की ओर जा रहे हैं तो बस किसी से भी पूछिएगा, ये मंदिर आपको वहाँ पर लोग बता देंगे। मैं पैदल था इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी हुआ, बाइक से होता तो मुझे भी परेशानी नहीं होता। तो अभी हम हैं तालाब के पास, और तालाब में मुझे एक चीज़ दिखा है, आपको दिखा कि नहीं, देखिए कछुआ। देखिए
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।